फीफा और एएफसी के रूल्स के मुताबिक एक इलेक्शन होगा। सबसे अहम एस्पेक्ट है वो था पाकिस्तान फुटबॉल कनेक्ट डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। फीफा ने हमें 2015 में पाकिस्तान को पाबंद किया था ये रोल आउट करने के लिए, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो उसको आपने रीजन क्यों नहीं कंसिडर किया। पाकिस्तान हमारा बहुत ही अहम प्रोविंस है फुटबॉल में, वो सबसे ज़्यादा शायद फुटबॉल खेलने वाला प्रोविंस है। किया गया है। दूसरा सवाल ये है कि इस्लामाबाद तो डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो उसको आपने रीजन क्यों नहीं कंसिडर किया। सो जहाँ तक तो बलूचिस्तान का ताल्लुक है, बलूचिस्तान हमारा बहुत ही अहम प्रोविंस है फुटबॉल में, वो सबसे ज़्यादा शायद फुटबॉल खेलने वाला प्रोविंस है और उसको कतन इस प्रोसेस से एक्सक्लूड नहीं किया गया। बलूचिस्तान के चंद डिस्ट्रिक्ट्स में फिज़िकल स्क्रूटनी का अमल अभी बाकी है। उन डिस्ट्रिक्ट्स में दो दफ़ा पहले स्क्रूटनी प्लान हो चुकी है, पॉलिटिकल अनरेस्ट हालात की वजह से स्क्रूटनी दोनों दफ़ा पोस्टपोन हुई। अभी हम तीसरी दफ़ा दोबारा उसको स्केड्यूल कर रहे हैं और जो ही स्क्रूटनी कंप्लीट होगी वहाँ भी इलेक्टोरल प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। जहाँ तक तो इस्लामाबाद का ताल्लुक है तो ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूल्स हैं उसके तहत इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एक डिस्ट्रिक्ट भी कंसिडर होता है और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एक टेरिटरी भी कंसिडर होता है जिस तरह AJK और GB है। तो जब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन होता है पहले इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के जो डिस्ट्रिक्ट है इस्लामाबाद उसका इलेक्शन होगा और फिर उसके इमीडिएटली बाद उसकी टेरिटरी का भी इलेक्शन होगा, दोनों अमल कंप्लीट होंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं। मिड मार्च तक तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके इमीडिएटली बाद प्रोविंशियल इलेक्शन का प्रोसेस है वो रमज़ान और ईद की वजह से उसमें वो ईद के बाद होगा और फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हुए बाकी सारा प्रोसेस हैंडल होगा। उन्होंने काम शुरू कर दिया हुआ है, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, उनका यही वादा है कि टाइम हो जाएगा। लेकिन देखें ये इंटरनेशनल मैचेस हैं, इसमें ये समझना ज़रूरी है कि फीफा AFC की डेडलाइन है कि 60 दिन पहले गेम से आप वेन्यू कंफर्म करें और वेन्यू जो है वो 100% क्राइटेरिया को मीट करता हो। तो वो 60 दिन गुजर गए, उसके बाद हमने मज़ीद 3 दफ़ा डेडलाइन की एक्सटेंशन हम मांग चुके हैं। AFC हैज़ बिन काइंड इनफ, फीफा हैज़ बिन काइंड इनफ कि उन्होंने एक्सटेंशन ग्रांट की है, हमें दोबारा भी एक्सटेंशन मांगनी पड़ी, जितनी दफ़ा मांगनी पड़ी हम मांगेंगे। लेकिन एक्सटेंशन अगर उन्होंने विदहोल्ड कर दी तो फिर हमें फाइनली कोई वेन्यू डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है PSB उससे पहले कर लेगा, या उम्मीद है कि PSB उससे पहले कर लेगा। ज़्यादा शिद्दत से चाहते हैं कि वो क्वालिफाई पाकिस्तान में ही खेला जाए, तो हमारी होम गेम है, हम चाहते हैं हमारी हर होम गेम हमारी सॉइल पे हो, हमारी धरती पे हो, हमारी टेरिटरी पे हो। हमने बाहर मल्टीपल टाइम्स AFC से अभी तक एक्सटेंशन ली है फाइनल वेन्यू सबमिट करने की। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि PSB डिलीजेंटली काम कर रहा है कि लाइटें भी लगें, बाकी जो चीज़ें उसमें मिसिंग है स्टेडियम में वो भी पूरी हों। हम जब तक AFC से जितनी दफ़ा एक्सटेंशन मांगते रहेंगे, जब तक वो मना नहीं करते, हम एक्सटेंशन मांगते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि PSB इस दौरानिए में अपना अमल कंप्लीट कर लेगा और होपफुली हम अपनी गेम पाकिस्तान में खेलेंगे। बट फाइनल डेडलाइन क्या होगी ये सिर्फ AFC बता सकता है। तो वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट, हालांकि PSB बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, मैं उनसे दोबारा गुजारिश करूंगा कि जल्द अज जल्द ये स्टेडियम का प्रोसेस कंप्लीट करें ताकि हम पाकिस्तान एज अ होम वेन्यू डिक्लेयर कर सकें। लेकिन जो PFF की कॉन्स्टिट्यूशन है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस को शामिल करके, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो इलेक्शन का टाइम फ्रेम है वो तकरीबन 6 से 6.5 महीने का है और उसके अंदर ये सारा अमल कंप्लीट हो जाएगा। एक्सटेंशन भी है,
उन्होंने एक हफ्ते से टाइम को एक्सटेंड किया है। जब वो टाइम ख़त्म होगा हम दोबारा एक्सटेंशन रिक्वेस्ट करेंगे, एंड जब तक हम एक्सटेंशन ले सकते हैं हम कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की होम गेम पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है फुटबॉल के लिए। जी।